हेलो भाइयों, मैं हूँ मोहम्मद आजम। तो भाई आज हम बात करेंगे अपनी निसान मैग्नाइट के बारे में, जो बिल्कुल बेस वेरिएंट है। भाई निसान के अंदर एक खूबी है जो हर गाड़ी को अलग बना देता है इसकी, क्योंकि भाई निसान एक ऐसी कंपनी है जो बेस वेरिएंट के अंदर भी अपना ऑटोमेटिक इंजन ऑफर कर देती है कस्टमर के लिए। जो भाई बेस वेरियंट का प्राइस रहेगा वो इतना सस्ता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 5,99,000 का। अब भाई एक चीज देखो, हम निसान के शोरूम में खड़े हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही गाड़ी दिखाई देती है, वो हमारी निसान मैग्नाइट, और गाड़ी नहीं बनाता। रेनॉल्ट की बात करें भाई, उसके पास 3-4 गाड़ी है, फिर भी उसकी गाड़ी इतनी नहीं बिकती जितनी हमारी इकली मैग्नाइट बिक जाती है। इसी के साथ भाई प्राइस इतना कम है गाड़ी का, इतना कम बता ही दिया है मैंने आपको। भाई हर कोई बंदा इसको आराम से परचेस कर सकता है। जो भाई इंजन रहता है इसमें 999 cc का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जनरेट करता है 71 bhp 96 Nm के टॉर्क के साथ में आती है। भाई जो इसकी फ्रंट लाइट रहेगी देखने के लिए, बेस वेरियंट के अंदर हमें हेलोजन बल्ब मिलता है, कोई भी DRL इसमें कुछ नहीं मिलती, ना ही फोग लैंप देखने के लिए मिलता। भाई फ्रंट से जो इसमें ग्रिल करी गई है, बेस वेरियंट के अंदर भी कंपनी ने टॉप वेरियंट ऐसी ग्रिल करी है। इधर हमारा ही टॉप वेरिएंट खड़ा रेड कलर, इसकी ग्रिल देख लो, अब आप बेस वेरिएंट की ग्रिल देख लो। भाई ग्रिल में कोई भी चेंजेस नहीं है, नीचे बढ़ते हैं भाई जैसे ही स्क्रिप्ट प्लेट वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का इसमें देखने के लिए जरूर मिल जाता है मैग्नाइट की तरफ से। बढ़ते हैं भाई गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ, साइड से आप देखो यहीं पे जो भाई इसमें इंजन रहेगा वो रहेगा 1 लीटर का NA पेट्रोल इंजन हमें देखने के लिए मिलता। जो भाई इसका साइड मिरर मिलेगा वो आपको रब ब्लैक के साथ में मिलेगा, कोई भी पियानो ब्लैक वगैरह कुछ नहीं आएगा। इंडिकेटर जो मिलेगा नॉर्मल सा हमें फेंडर पे ही देखने के लिए मिलता है, निशान बेस मॉडल में फेंडर पे जरूर इंडिकेटर दे देती है। भाई जो टायर मिलेगा हमें स्टील रिम के साथ में मिलेगा, कोई भी अलाउ व्हील वगैरह नहीं मिलेगा। जिसकी प्रोफाइल रहेगी 195/60R 16 in का इसमें टायर मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। बाकी भाई क्लेडिंग आपको पूरी गाड़ी पे जरूर से जरूर देखने के लिए मिल जाएगी। पहुंचते हैं भाई गाड़ी के पीछे, लेकिन उससे पहले जो इसका ऑन रोड प्राइस है वही मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइम हम खड़े हैं अपने दहली रोड मुरादाबाद के अंदर, जो पड़ेगा 6,76,000 का। बाकी यहाँ के डीलरशिप के कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप यहाँ कॉल करके या विजिट करके और भी अच्छा डिस्काउंट वगैरह पा सकते हैं। भाई रियर से आप गाड़ी की पूरी प्रोफाइल देखो, कोई बता नहीं सकता कि गाड़ी रियर से हमारी बेस वेरियंट है, क्योंकि बेस वेरियंट में कंपनी देती है हमें वाइपर निकाल के। भाई कौन सी ऐसी कंपनी है बेस वेरियंट में वाइपर देती है? जनरली मैं किया की बात कर लेता हूँ, किया की जो सेल्टोस सोनट आती है उसमें आपको भाई रियर में जो मिलते हैं हत्ते मिलते हैं, कोई भी पावर विंडो वगैरह नहीं मिलती। बट इसमें भाई बेस वेरिएंट में चारों विंडो पावर तो है, उसी के साथ में रियर वाइपर भी मिलता है। भाई रियर लाइट जो मिलेंगी आपको कुछ ऐसी मिल जाएंगी, हेलोजन बल्ब के साथ में मिलेंगी, LED बेस्ड तो नहीं आएंगी, बट लुक इनका काफी अच्छा है। कैमरा वगैरह कुछ नहीं आएगा, लेकिन हालांकि 2 पार्किंग सेंसर इसमें जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर वगैरह इसमें आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ में भाई ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता ही दिया, 205 mm का इसमें मिल ही जाता है। और बढ़ता हूँ भाई गाड़ी की एक बार लुक आपको मैं साइड प्रोफाइल पूरी और दिखाता हूँ गाड़ी की। भाई इतने प्रीमियम लुक के साथ में गाड़ी दी है हमारी निसान ने, एक सब 4 मीटर SUV तो आई। की बात करें दोनों आपको नॉर्मल की मिलेंगी, सेंट्रल लॉग इसमें देखने के लिए नहीं मिलता क्योंकि हमारा बेस वेरिएंट है XE, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। रियर में भाई जो चीज़ मुझे खल रही है, रियर वाइपर है भाई, देखो आप खुद देखो भाई वाइपर। बूट जैसे बूट अनलॉक करता हूँ भाई, 336 लीटर का इसमें बूट स्पेस हमें देखने के लिए जरूरत से मिल जाता है। जो स्पेयर व्हील रहेगा उसको मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसका एक गत्ता हटाता हूँ भाई, जो एक गत्ता है इसमें नीचे, इसे हटाने के बाद जो इसमें टायर की प्रोफाइल रहती है भाई, ये 1 इंची छोटा कर देगा, 14 का करा भाई, 1 नहीं 2 इंची छोटा करा, वैसा आपको 16 के मिलते हैं, ये आपको 14 का मिलता है। ग्रिप हैंडल मिल जाता है यहाँ पे भाई, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है बूट खोलने के लिए। जनरली बेस वेरियंटों में कंपनी अंदर से बूट खुलता है, सीट के नीचे जो बटन होते हैं वगैरह। भाई जो डिफोगर देखो भाई, डिफोगर भी है इस वेरिएंट में आपको, बेस वेरिएंट किधर से लग रहा है भाई, रियर से ऐसा लग रहा है निसान ने टॉप वेरिएंट की इसमें डिग्गी लगा के दी हो, क्योंकि बेस वेरिएंट में इतने सारे फीचर्स वगैरह कुछ आते ही नहीं है देखने के लिए। एक बार और गाड़ी का आप लुक देखो भाई, कुछ प्रीमियम लुक के साथ में आती है भाई इंडियन मार्केटिंग पे, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसका राज है, इतने कम प्राइस के साथ में आती है, ऊपर से भाई रेनॉल्ट को बराबर टक्कर देती है। उनके पास 3-4 गाड़ी है फिर भी। अब भाई जैसी मैं गाड़ी के अंदर से एक बार आपको और दिखाता हूँ कि गाड़ी में हमें अंदर क्या क्या मिल जाता है। पता है सबसे पहले भाई गाड़ी के डैशबोर्ड को हम नज़र मारते हैं तो कुछ ऐसा, इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट है तो इसलिए डैशबोर्ड में कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं आएगा, जिस पर हमारी निगाह डायरेक्ट पड़ चुकी है। भाई इतना प्रीमियम सा इसका पूरा डैशबोर्ड तो इंसान ने हमारा बना ही दिया है। जैसे मैं इसकी की लगाता हूँ, की मैंने आपको दिखाई दी है, नॉर्मल सी हमें की मिलती है, की मैं लगाता हूँ, वो भाई एक ऐसी गाड़ी है निसान की के मैंने आपको पहले ही बता दिया, भाई बेस वेरिएंट के अंदर भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आता है। भाई निसान ने इतनी अच्छी चीज़ बना रखी है, इंडियन मार्केट में अगर बात करो अपने इंडियन में जो गाड़ी बिक रही है, तो निसान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी है मैग्नाइट, फिर भी वो और गाड़ियों को बराबर टक्कर।
मैं बात करूं अगर रेनॉल्ट की, भाई उसके पास तीन गाड़ियां, तीन चार गाड़ियां, काइगर मिल जाती है, क्विड मिल जाती है, ट्राइवर मिल जाती है, उसके पास इतनी गाड़ी होने के बाद भी फिर भी निसान को वो बराबर टक्कर दे रहा है। वो होता अपनी तीन चार गाड़ी बेच रहा है, मैग्नाइट सिर्फ इकली बिक रही है, इतनी ज्यादा बिकती है, जो बंदे इसे इतनी ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे मैंने भाई की लगा दी, जैसे मैं इसका इग्निशन आपको ऑन करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसा इसका पूरा इग्निशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। 180 में स्पीड आती है, जो पहले डिजिटल में हमें सो जाती है। डिजिटल मीटर मिल जाता है भाई पूरा आपको डिस्प्ले के साथ में, कोई भी इसमें सुई वगैरह नहीं मिलती। 6000 RPM तक जाता है। इंजन भी भाई ठीक मिल जाता है। परफॉर्मेंस वगैरह देखो, एवरेज वगैरह अगर हमें देखना हो तो हमें यहीं पे इसकी ट्रिप मिल जाती है देखने के लिए, जो हमें कुछ देखना हो गाड़ी कितनी ड्राइव है। 108 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली हुई है। स्टीयरिंग पे भाई बेस वेरिएंट के अंदर दो एयरबैग तो बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड हो चुके हैं, ड्राइवर साइड वो पैसेंजर साइड, ये आपको दोनों देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई बेस वेरिएंट में यहाँ पर आपको सिल्वर का काम मिल जाता है। बेस है इसमें क्रूज कंट्रोल या कोई भी माउंट कंट्रोल नहीं आएंगे। माउंट कंट्रोल भाई इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारा बेस वेरिएंट है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है, तो माउंट कंट्रोल भी नहीं है। बाकी वाइपर के कंट्रोल इधर आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे, हेडलाइट के कंट्रोल इधर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। भाई साइड मिरर जो आपको यहीं से खुंटी से ऐसे एडजस्टेबल करने हैं, कोई भी इसमें ऑटोमेटिक वगैरह या इलेक्ट्रिक वगैरह कुछ नहीं आएगा। चारों विंडो भाई बेस वेरिएंट के अंदर आपको पावर मिल जाती है, चारों ऐसे नहीं है, ऐसे सीरीज में लगी है भाई गाड़ी पे, ऐसे सीरीज कहीं से कहीं तक कुछ नहीं लगी है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखो बेस वेरिएंट से भाई चारों विंडोज में आपको पावर देखने के लिए मिल जाती है, लॉक अनलॉक नहीं आएगा, सेंट्रल लॉक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं एक खुंटी गिराता हूँ तो एक ही गिर रही है, देखो ये गिरा दी है मैंने, उधर बात करो एक भी नहीं गिरी है। इसे उठाता हूँ तो भाई कुछ भी नहीं है, सेंट्रल लॉक भी नहीं है। बेस वेरिएंट में भाई स्टीयरिंग में निशान क्या क्या देती है हमें, टिल्क मिलता है बट टेलीस्कोप नहीं मिलता। चलो बेस वेरिएंट में चीज अच्छी है, चीज दे रखी है। यहाँ बात करें भाई यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत सिल्वर के टचेस मिल जाती है। एसी वेंट का जो डिजाइन है भाई, चारों इतने प्रीमियम लगते हैं। जैसे भाई नीचे बढ़ते हैं तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, खाली डिब्बा मिलेगा। यहाँ पर आपको हजार लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, बूट के लिए मिल जाता है, ये हमारा जो शीशे पर फोग जम जाती है इसके लिए मिल जाता है। एसी के कंट्रोल जो भाई वो बेस वेरिएंट में आपको मैनुअल देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हम नीचे बढ़ते हैं रेनॉल्ट की बात करूं भाई, उसमें भी डैशबोर्ड वगैरह यहाँ से सब सेम ही दिया। ये टॉप वेरिएंट होता है तो इसमें यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन होता है जैसा हमारा काइगर में आता है। थोड़ा स्पेस भाई आपको देखने के लिए मिल जाता है, भाई ठंड हो रही है, हाथों पर कुछ जम रहा है, चीज को नोटिस। 5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में हमें मिलेगी, रिवर्स लगा के 6 गियर इसके अंदर मिल जाते हैं। भाई देखो रिवर्स के लिए इसमें भी ऐसे पंच करके इधर को करके डाल दो, आयो कोई नहीं। यहाँ पे भी इसमें थोड़ा स्पेस मिल जाता है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ मिल जाता है, इसको आप यहाँ बंद करो। देखो यहाँ पे हमें आफ्टर मार्केट चार्जर लेना, हमारा फोन भी चार्ज होने लगे गाड़ी के पहिए में हवा वगैरह भरनी हो तो। दो का फोल्डर भाई इसमें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, थोड़ा स्पेस भाई निशान के अंदर यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। मैग्नाइट सीट कवर जो आते हैं भाई वो फाइबर में मिल जाते हैं, इसमें देखने के लिए काफी अच्छे सीट कवर मिलते हैं। थाई सपोर्ट वगैरह, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। सनवाइजर पे भाई देखो मिरर बेस वेरिएंट के अंदर भाई, अगर मैं मारुति की बात करूँ, बुराई नहीं कर रहा कुछ भाई सोचें बुराई कर रहा भाई, मारुति में आपने कुछ चीज़ देखी है बेस वेरिएंट में क्या, जेड बी डी आई बी एक्स आई में भी कहीं कहीं नहीं होते। इधर ये चीज़ है, इधर कुछ नहीं है, टिकट होल्डर है भाई, मारुति नहीं और कंपनी भी है ऐसी। रूफ में लाइट मिलती है भाई वो हमारी देखने के लिए, येलो LED के साथ में आती है। IRBM आपको ऑटो डिविंग के साथ में मिली जाता है, ऑटो डिविंग आप देख सकते हैं, नाइट विजन जिसे हम बोलते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में। ग्लब बॉक्स जो रहेगा भाई गाड़ी में, कुछ इतना बड़ा ग्लब बॉक्स मिल जाता है भाई, काफी बड़ा ग्लब बॉक्स है मैग्नाइट के अंदर। निशान ने भाई प्रोडक्ट तो अपना इतना अच्छा बना रखा है क्योंकि गाड़ी इतनी ज्यादा बिक रही है, काफी बिक रही है। आपको तीनों पैडल देखने के लिए मिल जाएंगे, एक्सीलेटर ब्रेक क्लेच वगैरह सब देखने के लिए मिलेंगे, स्टेयरिंग की रोड वगैरह फिट एंड फिनिश से ही भाई। ऐसा नहीं है कि गाड़ी इतनी बिक रही है तो कंपनी ऐसी उल्टा सीधा बना दे भाई, फिट एंड फिनिश भी एक नंबर बना ही है। बेस वेरिएंट में भाई ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, हेडलाइट अप डाउन यहाँ मिल जाएगा। बेस वेरिएंट में भाई कितना ध्यान रखा बंदों का, ट्रैक्शन भी दे दिया था, गाड़ी कहीं अटके तो एकदम निकल जाए। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भाई फर्स्ट रो में, अभी सेकंड रो में चल के दिखाता हूँ कितनी बढ़िया चीज़ें इसमें दे रखी है। पहले आप पूरा डैशबोर्ड एक बार और ताड़ लो भाई, आ चुका हूँ सेकंड रो में। आप देखो बाहर रश ज्यादा था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था भाई। यहाँ पे डोर हैंडल बेसक हमें नॉर्मल से मिल जाते हैं, यहाँ भी भाई सेकंड रो में सॉफ्ट टच मिलेगा विंडो का भाई, यहाँ पे भी देखो। और एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ, अब यही चीज मेरे दिल को भाई छू गई है। सबसे पहले पूरे डैशबोर्ड पे नहर वाली, अब यहाँ मेरे हाथ में नहर वालों क्या है, गाड़ी की जो मैंने आपको दिखा दी दो तीन बार, देखो भाई देख रहे हो भाई, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी और दिमाग लगाना। अगर मानो गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं चाबी लगा के चला गया कहीं, चाबी लेके अपनी जेब में रखकर, अब जो गाड़ी में पीछे मानो पर्सन बैठे हैं, मैं कुछ सामान लेने चला गया, तो जो भाई मैं आपको फेस ही दिखाता हूँ, जो भाई मैं ऐसा गाड़ी में बैठा हूँ, मैं कहीं चला जाता हूँ, तो जो भी मेरे पड़ोसी है, मेरे भाई लोग जो भी गाड़ी में बैठे, तो भाई वो अपनी मर्जी से शीशे अप डाउन कर सकते हैं। निशान ने इतना अच्छा अपना ये प्रोडक्ट बना दिया भाई, बताओ बेस वेरियंट में इतने ज्यादा फीचर, छोटा फीचर नहीं है, महेंद्र ही निकाल के देता, XUV700 में निकाल के देता भाई ये फीचर्स। ये मैग्नाइट ने अपना XE बिल्कुल बेस वेरिएंट में दे दिया, यहाँ मैंने आपको दिखाई दिया। भाई एक चीज और दिखाता हूँ बेस वेरिएंट में, भाई बेस वेरिएंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट भाई सेकंड रो में, बताओ कितनी ज्यादा सोची है। बेस वेरिएंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है भाई बेस वेरिएंट में, देखो
आर्मरेस्ट नहीं है लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई कोई एसेसरीज में लगाओ या कुछ लगाओ, भाई निसान ने गाड़ी ही इतनी बढ़िया बना दी है भाई। सीट कवर भी आप देखो कितने प्रीमियम से मिल जाते हैं हमें देखने के लिए, फाइबर में सीट कवर है पूरा, क्रोम स्पीकर वगैरह। एक बार बाहर से और लुक दिखा देता हूँ भाई गाड़ी के रूफ में। भाई आपको एक लाइट यहाँ भी देखने के लिए मिल जाती है, एक लाइट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, आप यहीं से इसको बंद कर सकते हैं भाई। चलो फाइनल लुक बाहर से दिखाता हूँ गाड़ी के हमें क्या मिलते हैं। तो कुछ यही था भाई इस वीडियो, वीडियो अच्छे लगे वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच भाई। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना भाई, वीडियो अब टाइमिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, पहले 8 बजे आ जाती थी भाई, आप 8:30-9 तक वीडियो आ पाएगी। थैंक यू।